गाइस, अब ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर हम लोगों ने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हमारे माइंड में एक टेंशन बनी रहती है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल की डेट में आपको ओला की एसेसरीज लाइक बॉडीगार्ड वगैरह जो है मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप बाहर से परचेज कर लेते हैं तो आपकी जो वारंटी है वो वॉइड होने का काफी सारा चांस रहते हैं। तो इसी कारण हमारे माइंड में एक टेंशन बनी रहती है कि अगर हमारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी बॉडी पार्ट अगर टूट जाता है या उस पर स्क्रैच आ जाता है तो उसका क्या चार्जेस हमारे से कंपनी लेगी। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक एक बॉडी पैनल के पार्ट का प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बॉडी पार्ट का क्या प्राइस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर या किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो वो होता है उसकी बैटरी। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी का जो प्राइस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 87,500 के अप्रोक्स का। देखिए अभी ये देखिए काफी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। और अगर बात करूं बैटरी की वारंटी की, तो आपको 3 साल की वारंटी जो है वो कंपनी ऑलरेडी देती है, और इसकी जो वारंटी है वो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो अभी आने वाले 5 साल तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5 साल बाद भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद जो है इंडिया ही अपनी बैटरी मैन्युफैक्चर करने लगेगा। और जहां तक आप लोगों ने देखा भी होगा कि ओला भी अपनी बैटरी खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग अभी आप लोगों को फिलहाल के 5 साल तक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और 5 साल बाद माइट बी पॉसिबल आप लोगों को काफी कम प्राइस पे इसकी लिथियम आयन बैटरी जो है या इसका जो बैटरी पैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस, इसके बाद बात करना चाहूंगा ओला के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि ओला को दूसरे स्कूटर से अलग कर देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओला के डिस्प्ले की। तो ओला के डिस्प्ले का प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 12,500 रुपए का। बट ये भी चीज जो है वो वारंटी में कवर होती है, अगर आप लोगों ने जीरो डेप्थ अगर वारंटी ले रखी है तो अगर आपका बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली अगर डैमेज भी रहता है तो वो वारंटी में आपका कवर होगा और आपको चेंज करके मिलेगा। गाइस, इसके बाद बात करने जा रहा हूं मैं उस पार्ट की जो कि वारंटी में कवर नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टायर की। टायर कभी भी वारंटी में कवर नहीं होते, और अगर 1 या 2 साल बाद अगर आपका टायर घिस जाता है तो आपको ये टायर जो है वो 1500 से 1600 रुपए के प्राइस में MRF ब्रांड का टायर जो है वो मिल जाता है। गाइस, के बाद स्टार्ट करते हैं बॉडी पैनल से। तो फ्रंट आउटर बॉडी पैनल जो है वो आपको 1579 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा, और अगर बात करूं उसके लेबर कॉस्ट की, तो इसकी लेबर कॉस्ट जो है वो आपको 37 रुपए 50 पैसे देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद बात करता हूँ सेकंड बॉडी पैनल की, तो जो कि फ्रंट इनर बॉडी पैनल है, ये आपको 1559 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसकी जो चेंजिंग कॉस्ट अगर मैं बताऊं, मीन्स अगर इसकी लेबर कॉस्ट बताऊं, तो इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो आपको 300 रुपीज की देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर बात करूं इसके जो डिस्प्ले का अपर बॉडी पैनल है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 664 रुपए की देखने के लिए मिलेगी। और अगर इसकी लेबर कॉस्ट की बात करूं, तो इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो आपको 112 रुपए 50 पैसे देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा, ये जो लेबर कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये विदाउट GST है। बट अगर आप जब चेंज कराएंगे तो इसमें आपको GST ऐड करके देनी होगी, मींस आपको टैक्स जो है वो अलग से देना पड़ेगा, जो कि 14 से 7% के बीच में वैरी करता है। तो ये आप डिफरेंस जो है वो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। इसके बाद बात करो अगर डिस्प्ले के बॉटम पैनल की, तो बॉटम पैनल आपको 531 रुपए 25 पैसे का देखने के लिए मिलेगा, और इसको चेंज कराने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 37 रुपए 50 पैसे। इसके बाद बात करो इसकी हेडलाइट की, जो कि प्रोजेक्टर लाइट के साथ इंक्लूडेड है, तो इसका जो प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 4829 रुपए का, और इसको चेंज कराने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 112 रुपए की। इसके बाद बात करूं अगर रेयर लोअर पैनल की, तो रेयर लोअर पैनल जो है वो 1025 रुपए का देखने के लिए मिलेगा, और इसको चेंज कराने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 150 रुपीज की। और इसी के साथ बात करूं अगर रेयर के अपर पैनल की, तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो आपको सबसे ज्यादा इन सारे बॉडी पैनल्स में देखने के लिए मिलती है, जो कि है 2400 रुपए की। इसके बाद बात करूं अगर आपकी ग्लव बॉक्स असेंबली जो है, जो कि फ्रंट एंड साइड पे होती है, उसकी जो कॉस्ट है वो आती है 746 रुपए की, जिसको चेंज कराने की लेबर कॉस्ट आती है 75 रुपए। और इसी के बाद बात करते हैं इसकी बैकलाइट की, मींस आपकी ये जो बैकलाइट है, इस बैकलाइट का जो प्राइस आता है वो आता है 1346 रुपए, और इसे चेंज कराने का जो लेबर कॉस्ट आता है वो आता है आपको 156 रुपए का। गाइस, अगर इसके बाद बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि काफी ज्यादा नाजुक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेरे को देखने के लिए मिला, वो है इसका साइड स्टैंड। अब बात करूं अगर साइड स्टैंड की, तो साइड स्टैंड का प्राइस आपको 368 रुपए का देखने के लिए मिलेगा, और अगर बात करूं इसको चेंजिंग कराने की लेबर कॉस्ट की, तो
इसका लेबर कॉस्ट आपको 115 रुपए देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज ये थी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिफरेंट बॉडी पार्ट के प्राइजेस। मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि जो भी प्राइजेस मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्राइस मिसिंग या मिसमैच लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।